जिस प्रकार से विदित हो रहा है, ये किसी संगठन विशेष का आंदोलन नहीं है। हम लोगों ने आह्वान किया, पूरा हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ। इसका अर्थ यही निकलता है कि लोगों के दिल में दर्द है इस विषय के ऊपर। किसी प्रकार का कोई हमने एडवर्टीजमेंट नहीं किया, किसी प्रकार का किसी को से संदेश नहीं भेजे, पर लोगों को लगा कि दिल्ली की घटना जो है दुखद घटना है और इस तरह की घटनाएं पूरे देश के अंदर हो रही हैं। ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्त ना हो, ऐसी घटनाएं द्वारा ना हो, इसके लिए सरकार को चेताने के लिए, प्रशासन को चेताने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सबको बताना चाहते हैं कि हिंदू को कमज़ोर ना समझे। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, इसलिए रणचंडी का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। आज किस तरह से अपना रोष माता की जय। आज हमारा जो प्रदर्शन है वो आज का प्रदर्शन सांकेतिक प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण मार्च है। अभी यहाँ बीके चौक पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ से नीलम पुल तक जाकर हम एक संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। पुनः यहाँ पर इकट्ठे होंगे और जल्दी इस चीज़ के ऊपर सरकारी कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन और बड़ा भी हो सकता है। जय श्री राम। दिल्ली में हमारा एक मंदिर तोड़ा गया है, जब उसमें हिंदुओं का कोई भी दोष नहीं था, न मंदिर का कोई भी उसमें भाग था, पार्किंग के ऊपर झगड़ा था, लेकिन ये इकट्ठे होके मंदिर को तोड़ा है। इस तरह की घटनाएं होती रही तो फिर हिंदुओं का यहाँ जीना मुश्किल है, इसलिए हम बाहर निकल के आए हैं और हम इसके विरोध में ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। शांतिपूर्वक हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरह का हम कोई रोड जाम नहीं कर रहे, हमारा तो ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है।